रोज नई रेसिपी सीखने के लिए आप रुचि भोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि घर में इतनी वाइट और सॉफ्ट रुई जैसी इतनी सुंदर इडली घर में कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरे में एक कप उड़द दाल ले लिया है। उड़द दाल आप कम ना ज़्यादा लीजिए, एक कप उड़द दाल ही मैंने लिया है और इसको साइड में रख लिया है। अब एक कटोरे में मैंने उसी कप से 3 कप मैंने चावल लिया है। चावल आप टूटे हुए भी ले सकते हैं और छोटे दाने वाले चावल भी ले सकते हैं, लेकिन बासमती चावल इडली में न यूज करें। अब उस दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से 4-5 पानी से धो दिया है। धोने के बाद मैंने उड़द दाल में 1.5 स्पून मैंने इसमें मेथी का दाना डाल दिया है ताकि हमारा इडली में अच्छे से फर्मेंटेशन हो। अब मैंने एक कटोरी में 1/4 कप पोहा ले लिया है। पोहे को अभी हम फूलने के लिए नहीं डालेंगे, हम उड़द और चावल को ही फूलने के लिए 4-5 घंटे के लिए रखा। फूलने के बाद हमारा उड़द दाल एकदम फूल गया है देखिए, और पोहे को मैंने अभी धोया है और धोकर साइड में रख लिया है। आप पोहे की जगह पर मुरमुरे भी यूज कर सकते हैं। जिस पानी में मैंने उड़द दाल को फूलने के लिए रखा था उस पानी को मैंने रख लिया है, उसको फेंका नहीं है, उसी में उड़द दाल को मैंने पीसा है और चावल के पानी को मैंने फेंक दिया था, चावल को मैंने नए पानी से पीसा है। दोनों को बहुत ही महीन पीसने के बाद दोनों को मैंने मिला दिया है। दोनों को अलग पीसने पर बहुत ही अच्छी इडली बनती है, आप ऐसा करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। दोनों को हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, मैंने एक बड़े बर्तन में रख लिया है क्योंकि खमीर उठने के बाद भी इस बैटर को जगह चाहिए बर्तन में। हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमारा फर्मेंटेशन बैटर का रोक देगा। अब इसको मैंने ढककर रात भर के लिए रख दिया है। सुबह उठने के बाद देखिए हमारी इडली का बैटर में कितना अच्छा खमीर उठा है, और इसमें न किसी इनो पाउडर की ज़रूरत है, ना किसी बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है। हमारी इडली ऐसे ही बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी रुई जैसी। और आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसको ज़्यादा आप मत मिलाइए। मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी रख दिया है और उसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इडली स्टैंड को मैंने ग्रीस कर लिया है, हम बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इडली स्टैंड को और उसके बाद हम बैटर को इसमें फिल करेंगे। इडली का बैटर न ज़्यादा पतला होना चाहिए और न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, देख लिए ऐसा ही होना चाहिए। अब स्टैंड को हमने लगा दिया है, हमारा पानी भी उबल रहा है। कुकर के ढक्कन का जो सीटी है उसको हम निकाल के साइड में रख लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए पानी उबल रहा है, उसके बाद इडली स्टैंड को रख देंगे और ढक्कन को लगभग 10 मिनट के लिए बंद करके हम तेज आंच पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद 5 मिनट हम इडली स्टैंड को ठंडा होने देंगे ताकि हमारी इडली भी ठंडी हो जाए, और ठंडी हो जाने के बाद बहुत ही अच्छे से निकल जाता है हमारा इडली। देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्ट एकदम रुई जैसी सुंदर वाइट। इसको तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनी है इडली हमारी। आप भी ऐसी इडली घर में बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी इडली कैसी बनी थी ऐसे बनाने पर। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।